बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फिर से फरजाना राजा अपने चैनल फरजाना राजा ऑफिशियल से आपके सामने हाजिर हूँ। ये वीडियो मेरी पिछली वीडियो की जो पार्ट ए था उसकी कंटिन्यूटी है और ये पार्ट बी है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे शेयर करूँगी कि इन वीडियोज़ को मैं क्या मवाद होगा, कॉन्टेंट क्या होगा, और इन वीडियोज़ में मैं आप लोगों के मसाइल को और दुनिया में जो दूसरे मसाइल हैं किन चीज़ों को मैं उजागर करना चाहती हूँ, मैं अवेयरनेस कैसे क्रिएट करना चाहती हूँ और मैं किस तरह की वीडियोस बनाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि मैं वीडियोस दो ज़ुबानों में करूँगी, एक इंग्लिश में और एक उर्दू में। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंग्लिश वीडियोज़ जो हैं उसमें ट्रांसलेशन और उर्दू वीडियोज़ में इंग्लिश की ट्रांसलेशन हो और इंग्लिश में उर्दू की ट्रांसलेशन आप तक पहुँचे, ताकि हर चीज़ में आसानी हो आप तक पहुँचने में। दूसरी चीज़ जो मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ कि मैं अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ सारी दुनिया में, मैं हर टॉपिक पे बात करके हर वो टॉपिक जो कि ह्यूमैनिटी को यानी कि इंसानियत को अफेक्ट करता हो, उसको नुकसान पहुँचाता हो, आम इंसान की ज़िंदगी को धर्म भरम करता हो, चाहे उसमें जंगें हों, चाहे वो मुल्कों से हिजरत हो, चाहे वो मुल्कों के अंदर की अनार्की हो या मुल्कों की आपस में जंगें हों या कोल्ड वॉर हो, किसी तरह के भी जो इश्यूज हैं जिससे कि एक इंसान, उसकी फैमिली, उसके बच्चे हर्ट होते हों, उसके लिए आवाज़ उठाऊंगी। मैं अवेयरनेस क्रिएट करूंगी खवातीन के इश्यूज के ऊपर, खसूसन जिस तरह से मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कहा, एक वो खातून जो मैं अपने बारे में कह रही हूँ जिसके पास इतनी एक्सपोजर, इतनी तालीम, इकतदार के ऐवानों तक रसाई, दुनिया के लीडरान तक रसाई, लेकिन इसके बावजूद जब अपने पे आई तो बेबस हो गई और अपनी ज़िंदगी को दोबारा से सड़क से, शेल्टर से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना पड़ा। ये एक बहुत ही मुश्किल मरहला था मेरे लिए, लेकिन मैंने ये देखा कि मेरे मौला ने, मेरे अल्लाह ने मुझ तक ऐसी मदद फरमाई और ऐसी मौजाना तौर पर मेरी ज़िंदगी को दोबारा से पटरी पर लेके आए ताकि मैं अपने बच्चों का ख्याल रख सकूं। उसके लिए मैंने कारोबार किया, मैंने काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा कारोबार भी है। लेकिन वो ख़वातीन जिनके पास इतने वसाइल, तालीम, बैकग्राउंड, एक्सपोजर नहीं है, उन ख़वातीन को मशवरे देना, और ख़ुसूसन वो ख़वातीन जो कि ओवरसीज आती हैं और यहाँ पर तशद्दुद का शिकार हो जाती हैं, उन ख़वातीन जिनको ये पता तक नहीं होता कि कौन से अदारे हैं जो उनको मदद करेंगे, कौन से अदारे उन तक उनको रसाई देंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि जो इंसाफ मुझे इस मुल्क में मिला, जिससे कि मुझे बच्चों की जो मेरी नेमत और मेरा ख़जाना मुझ तक पहुंचा, इन्होंने मेरा रंग नहीं देखा, मेरी नस्ल नहीं देखी, इन्होंने यहाँ पर मेरी इमिग्रेशन का स्टेटस नहीं देखा, इन्होंने सिर्फ ये देखा कि सच क्या है। एक मज़लूम औरत है, अपने बच्चों के साथ शेल्टर पर पड़ी है, इसकी हम कैसे मदद करें। अदालतों से लेके छोटी अदालतों से बड़ी अदालतों तक जजेस ने मुझे ऐसा इंसाफ दिया कि आज मैं आपके साथ बात करने के काबिल हुई हूँ आपकी दुआओं की वजह से। ये मैं मदद अब आगे एक्सटेंड करना चाहती हूँ उन ख्वातीन को जिनको इन सब चीज़ों का के बारे में इल्म नहीं है। और आखिरी बात कि मैं अपनी कारोबारी ज़िंदगी जो कि मैं रियल इस्टेट से मुंसलिक हूँ, तो उसके बारे में भी मैं वीडियोज़ ना सिर्फ यहाँ के लोकल लोगों के लिए इंग्लिश में बल्कि इंटरनेशनल लोगों के लिए भी, उसमें कारोबारी जो उतार चढ़ाव जो रियल इस्टेट का है, जो इन्वेस्टमेंट्स का है, उसके बारे में भी बात करूंगी, कुछ वीडियोस उसके ऊपर होंगी, ताकि जो लोग नहीं जानते कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कैसे की जा सकती है या वहाँ यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है, मैं उनको भी तरीका बताऊँगी जो कि बहुत आसान है। तो ये मेरी वीडियोज़ का लुबे लबाब होगा और इंशाल्लाह ताला मैं आपके पास अपनी अगली वीडियो लेके बहुत जल्द आपके पास आऊँगी। ये मेरी दो इंट्रोडक्टरी वीडियोस थी जो आप तक पहुँच गई। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं अगली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँचाऊँ। खुदा हाफिज़।